हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मस्ती एंड फूड में। आज हम बनाने जा रहे हैं बॉम्बिल मसाला, जिसके लिए हमने लिया है ये देखिए, ये सूखे बॉम्बिल मिलते हैं। इसे हम इसे बॉम्बे डक भी बोला जाता है। तो ये सूखी वाली बॉम्बिल है जिसको मैंने साफ़ कर लिया है और इसको छोटे 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 टुकड़ों में कट कर लिया है। और इसको अब मैं थोड़ा गर्म पानी में भिगा दूंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा धोने के लिए और थोड़ा ये सॉफ्ट होने के लिए, तो हम इसको गर्म पानी में थोड़ा भी थोड़ी देर भिगा के रखेंगे, 5 से 10 मिनट, और फिर आप इसको अच्छी तरीके से साफ़ धो के ले लेंगे। हमने एक बर्तन ले लिया है, गैस पे इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल, और हम हमारे बॉम्बिल को पहले फ्राई करके ले लेंगे। देखिए हमारे बॉम्बिल अभी फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज प्याज कट करके लिया है। अब प्याज को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे और अच्छी तरीके से इसको पूरा ब्राउन कर लेंगे हम। हमारे प्याज ऑलमोस्ट थोड़े से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये क्रश्ड अदरक। अदरक को मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने अभी मैंने क्रश्ड लहसुन डाल दिया है। हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे प्याज के साथ में। अभी हमारे प्याज लहसुन और अदरक अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर लिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे बारीक कटे हुए टमाटर। इसमें मैंने 1 मीडियम साइज टमाटर लिया है, इसको बारीक चॉप कर लिया था मैंने, और इसको हम अभी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैंने यहाँ पे आधा 3/4 छोटा चम्मच मैंने नमक डाला है। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और थोड़ी देर हम इसको ढक के पकाएंगे, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो एकदम अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। और 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हम हमारा ढक्कन हटाएंगे और हमारे टमाटर ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गए हैं पूरी तरीके से, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से और मसाले। मसालों में हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डाला है, हल्दी पाउडर। 1/2 छोटा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है और 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला। अब हम इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। मसाले हमारे अच्छे तरीके से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे जो फ्राइड बॉम्बिल हमने किया था, वो हम इसमें डालेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से हम भुनेंगे। दो मिनट हो गए हैं, हमारे
मसाले भुन गए हैं अभी अच्छी तरीके से। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, आपको कितना गाढ़ा चाहिए कितना पतला चाहिए उस हिसाब से डालिए। मैंने यहाँ पे आधा छोटा कप मैंने पानी डाला है। अब हम इसको ढक के और लो फ्लेम पे हम इसको ढक के एक 5 से 6 मिनट हम इसको पकाएंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हम हटाएंगे। ये देखिए हमारे बॉम्बे जो है बॉम्बे मसाला ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। हमारे इसमें बॉम्बे भी एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे। ये देखिए हमारा बॉम्बिल मसाला बनके तैयार हो गया है। हमने इसको एक सर्विंग प्लेट में हमने निकाल लिया है और इसको हम गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।